नमस्कार साथियों, अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, क्लास 12th एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री यानी कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12, उसमें आपका जो आज का हमारा चैप्टर है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वो है अणुभार, तुल्यांकी भार, परमाणु भार और संयोजकता। ये चैप्टर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी सारे वन लाइन, मतलब जो न्यूमेरिकल हैं, वो यहाँ से बनते हैं। यानी हम देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। ये आपका मॉलिक्यूलर वेट जो अणुभार है, इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार, परमाणु भार यानी एटमिक वेट और वैलेंसी यानी संयोजकता। ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा भी हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ये देखिए, तुल्यांकी भार किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि अणुभार तथा संयोजकता के अनुपात को तुल्यांकी भार कहते हैं। इसी फॉर्मूले से तुल्यांकी भार निकलता है। क्षार का तुल्यांकी भार, तो क्षार का अणुभार तथा अम्लता के अनुपात को क्षार का तुल्यांकी भार कहते हैं। अम्ल का जो अणुभार होगा, मतलब अम्ल का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो वह आपका अम्ल का अणुभार बटे क्षार होता है। देखिए, अगर अब क्षार का पूछेंगे तो उसमें अम्लता आएगा, अम्ल का पूछेंगे तो क्षारकता आएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, आयन का जो आयन्स होते हैं उनका अगर इक्विवेलेंट वेट देखेंगे तो आयन का अणुभार तथा आवेशों की संख्या, इसके अनुपात को आयन का अणुभार, आयन का तुल्यांकी भार कहते हैं। इसी से निकलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी, जैसे आपका देखिए ये सोडियम है, और मतलब सोडियम ये 23, सोडियम है 11, तो आपको ध्यान रखना है इसमें से एक इसका तुल्यांकी भार है, एक अणुभार है, ठीक है। 2 8 की संयोजकता 1 होगी, इसी प्रकार से सब है, ठीक है। यहाँ पर 35.5 जो है वो कैल्शियम का होता है, ध्यान सॉरी क्लोरीन का होता है, संयोजकता इसकी 1 होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तुल्यांकी भार ये देख लीजिए दिया हुआ है 12 मैग्नीशियम, देखिए ये आपको ध्यान में रखना है, और 2 8 2 इसमें संयोजकता इसकी 2 हो जाएगी, परमाणु भार 24 होगा। तुल्यांकी भार परमाणु भार पर संयोजकता होता है, तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, 12 आ जाएगा। NaCl जो आप सोडियम क्लोराइड है, उसका अणुभार कितना होगा, तो वही हम जोड़ देंगे, मतलब 23 + 35.5 जोड़ेंगे तो 58.5 हो जाएगा। Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों इसमें आयन होते हैं। अणुभार बटे आवेशों की संख्या 58.5 / 1 = 58.5 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें न्यूमेरिकल जो हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार जो है अणुभार बटे संयोजकता होता है, 60 को 2 से भाग देंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अम्ल का तुल्यांकी भार अणुभार बटे अम्लता होता है, हम आपको बता चुके हैं। H2SO4 तुल्यांकी भार इसका, यानी H2SO4 आप देखेंगे तो 2H+ + SO4- यहाँ पर होता है, तो इसी का आप निकल के आएगा 98, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तुल्यांकी भार तो अम्ल का अणुभार बटे क्षारकता होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। H2SO3 आपका कार्बोनिक अम्ल है, H2SO3 का तुल्यांकी भार तो भी आप लोगों को यहाँ पर निकाल लेना है, 62 हो जाएगा, ठीक है। अक्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो ये आप देखते रहेंगे, चूंकि मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना है, 45 आ जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक एसिड का अणुभार, तो ये आपको 63 आ जाएगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए नॉर्मलता, अब यहाँ पर आपका चैप्टर तो खत्म हो गया, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए नॉर्मलता, जिसको नॉर्मलिटी बोलते हैं, तो ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, किसी विलयन में कोई भी सोल्यूशन है, उसमें घुले विलय के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होगी उसे नॉर्मलता, मेनली सिंपल सी डेफिनेशन है कि विलयन में घुले विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखेंगे C इक्वल टू EN होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, N इक्वल टू C/E होता है, जहाँ पे C क्या होता है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता ग्राम पर लीटर में, E मतलब इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, तुल्यांकी भार, और N मतलब नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, ठीक है। यहाँ पर 7 ग्राम पर लीटर सांद्र H2SO4 की नॉर्मलता, सांद्रता कंसंट्रेशन, तो इसका 7 ग्राम पर लीटर है, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का अणुभार 98 होता है, नॉर्मलता इसका निकालना है, तो ये 49 आ जाएगा, 98 को 2 से भाग देंगे, इस प्रकार से आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए W जो है विलेय का भार है, N जो है नॉर्मलता है, V जो है आयतन है, E आपका इक्विवेलेंट वेट है। वही यहाँ पे फॉर्मूला में जो रखा हुआ है W = E(N)V/1000, इसी फॉर्मूले से आपको लगता है, ठीक है। यहाँ पर और नॉर्मल न्यूमेरिकल देखिए, 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया, विलयन की नॉर्मलता होगी, तो वही आपको नॉर्मलता निकालना है, तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, इसको सॉल्व करें, अब जो आपका 0.54 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल आपको लगाते रहना है, ठीक है।
अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, यहाँ पे 0.2 होगा नॉर्मलिटी इसका, देख लीजिएगा क्वेश्चन। यहाँ पे 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 500 ml जल में घोला गया है, तो विलयन की नॉर्मलता निकालनी है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कितनी हो जाएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे आपका निकल आएगा। फिर देखिए मोलरता क्या होता है, नॉर्मलता नॉर्मलिटी हमें देख लिया, मोलरता नहीं मोलरिटी देखिए। तो एक लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या मोलरता, देखिए नॉर्मलता में देख लिया है कि किसी विलयन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या मोलरता नॉर्मलता कहलाती है, लेकिन मोलरता क्या होता है कि एक लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मोलरता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार बटे आयतन लीटर में, ठीक है। एम इक्वल टू एन अपॉन वी, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, जहाँ एन क्या है मोलों की संख्या है, नंबर है, और वी आपका आयतन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, न्यूमेरिकल जो यहाँ पर आए हुए हैं जो आपको लगाना है, तो 3.65 ग्राम HCl को 300 ml जल में घोला गया है, तो मोलरता इसी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे 0.2 आएगा। अब देखिए हमने कभी मोलरता देखा, अब मोललता देखिए काफ़ी अंतर है, वो मोलरता था, ये मोललिटी है यानी मोललता है। ये क्या होता है, एक किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसे स्मॉल एम से, देखिए मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट करते थे, मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का विलायक का अणुभार बटे विलायक का जो आपका अणुभार है, ठीक है, विलेय का अणुभार बटे विलायक का अणुभार। एम इक्वल टू एन अपान डब्लू होता है, जहाँ एन जो स्मॉल एन है वो विलेय के मोलों की संख्या है, और जो स्मॉल एम है वो मोललता है, और जो डब्लू है आपका विलायक का द्रव्यमान वो किलोग्राम में है, ठीक है। और भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग न्यूमेरिकल देखते रहिए, ठीक है। 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो मोलरता ज्ञात करनी है, तो मोलरता यहाँ पर वही आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए 0.2 जो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन वही सारे आप लोगों को ये देखते रहना है, क्या यहाँ पर क्या गया, देखिए 10.3 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 250 ग्राम जल में घोला गया है विलयन की मोललता, तो मोललता आपको ज्ञात करना है, तो 250 ग्राम हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब चलिए ये तो हमने चैप्टर आज का कंप्लीट किया, ठीक है। अब देखिए आज के चैप्टर को हम रिवाइज करते हैं मास्टर स्लाइड के थ्रू, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको आज क्या क्या पढ़ा आपने, और जो यहाँ पर पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला आपका यहाँ पर देख लीजिए क्या सेंटेंस है, किसी पदार्थ का अणुभार, अभी यहाँ पर अणुभार बताया जा रहा है, वह संख्या है जिससे अज्ञात होता है कि उस पदार्थ का एक अणु ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ 1/16 भाग से कितना गुना भारी है, इसी को कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, अणुभार, जिसको आप बोलते हैं एटमिक वेट, ठीक है। यदि पदार्थ के अणुभार को ग्राम में प्रकट किया जाए तो वह पदार्थ का जो ग्राम अणुभार कहलाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे क्लोरीन का ग्राम अणुभार जो है वो 71 ग्राम होता है, ठीक है। किसी पदार्थ की ग्राम अणु का भार गैसीय अवस्था में आयतन जो है वो ग्राम अणु आयतन कहलाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ और यहां पर लाइंस, यहां पर देखिए वन सेकेंड, यहां पर लिखा है माता दा का मतलब है प्रारंभिक ताप दाब, ठीक है, पर एक ग्राम अणु भार गैस का आयतन कितना होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है 22.4 लीटर। काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रारंभिक ताप दाब पर एक ग्राम अणु भार गैस का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर। वाष्पशील द्रव का अणु भार विक्टर मेयर विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है, आप बुक में से विक्टर मेयर विधि और सारी विधियों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो भार के विचार में हाइड्रोजन के एक भाग, ऑक्सीजन के 8 भाग और क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करके अथवा इन भागों को उनके यौगिकों को विस्थापित कर सके, ठीक है। तुल्यांकी भार को संयोजन भार अथवा रासायनिक तुल्यांकी भार भी कहते हैं। तुल्यांकी भार को यदि ग्राम में प्रदर्शित किया जाए तो उसे ग्राम तुल्य, देखिए तुल्यांकी भार है, ग्राम में आप डिनोट किए तो वही है ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न तुल्यांकी भार हो सकते हैं, ध्यान में रखना है, जैसे कॉपर आपका CU होता है, उसके दो तुल्यांकी भार होते हैं, जैसे आपका पहला है 63.5 ग्राम, ठीक है, वो CuO2 होता है, और 31.75 CuO में होता है, ठीक है। फिर तुल्यांकी भार ज्ञात करने की देखिए कुछ विधियां हैं, डिटेलिंग आप बुक से पढ़ेंगे, हाइड्रोजन विस्थापन विधि, ऑक्सीजन विधि और अपचयन विधि, क्लोराइड विधि, धातु विस्थापन विधि, वैद्युत अपघटन विधि, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु भार देखिए क्या होता है, तो एटमिक वेट, परमाणु भार वह संख्या है कि उस तत्व का एक परमाणु, ऑक्सीजन के एक परमाणु के भार का, ये आप देख लीजिए नंबर क्या लिखा हुआ है,
तो ध्यान में रखेंगे 16.000000 है कि 1/16 भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है, परमाणु भार संयुक्त और तुल्यांकी भार में संबंध इस प्रकार होता है। देखिए, परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयुक्त, यानी आपका एटमिक वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और परमाणु भार ज्ञात करने की मुख्य विधियों में आपका कैनिजरो मेथड है, ड्यूलांग और पेटिट की विधि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड के वाष्प घनत्व की विधि। देखिए, हम स्लाइड में ये विधियों को हमने इंक्लूड किया था, लेकिन पता नहीं कहाँ पर चल गया है, लगता है इंक्लूड नहीं हो पाया सही से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चूंकि वीडियो कट गई थी, इसलिए हमने दो शिफ्टिंग में इसको शूट किया है। ठीक है, पीडीएफ के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ पर मैं आपको आज ही पीडीएफ इसका दे दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और इन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करें और वहाँ अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक है, मतलब कमेंट सेक्शन से आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ कर सॉल्व करा सकते हैं। 11th AG 12th AG BSc AG के क्लासेस रेगुलर हमारे चैनल पर आ रहे हैं, तो उसको आप देखते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।